ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर भारत कभी भी मैच क्यों नहीं जीत पाता है? ये स्टेडियम आखिर भारत के लिए लकी क्यों साबित नहीं हो रहा है? पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड तो यही कहता है कि भारत यहाँ पर आज तक कोई मैच नहीं जीत पाया है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर फिर से भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसमें यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या भारत यहाँ पर मैच जीत पाएगा, क्योंकि भारत को जो आखिरी जीत मिली थी वो 1981 में मिली और इसके बाद आज तक भारत को इस स्टेडियम पर कभी भी जीत नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह कहा जाता है कि उसके लिए यह स्टेडियम बेहद लकी साबित होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा 110 मैच खेले गए जिसमें से 63 में उसे हमेशा ही जीत मिली, मात्र 30 मैच वह हारा है और 17 मैच ड्रा रहे हैं। भारतीय टीम द्वारा यहाँ पर 12 मैच खेले गए, इनमें से मात्र 2 में उसे जीत मिली और 8 में हार का सामना करना पड़ा, 2 ड्रा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बार 37 साल पहले 1981 में हराया। उसके बाद से लगातार भारतीय टीम को यहाँ पर हार का ही सामना करना पड़ रहा। अब सवाल इस बात का है कि क्या वजह है कि यहाँ पर भारतीय टीम हार जाती है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल मेलबोर्न पिच को नेगेटिव रेटिंग भी दी गई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पर 5 दिनों के खेल में 24 विकेट गिर गए थे और इसके बाद से ही यहाँ की पिच को नेगेटिव रेटिंग दे दी गई। अब सवाल यह भी है इस बार मुकाबला किस तरह से होता है और क्या भारत के हिस्से में जीत आती है या नहीं। अगर भारत हारता है तो फिर यह साबित हो जाएगा कि भारत के लिए मेलबोर्न का स्टेडियम लकी साबित नहीं होता।